उधर कांग्रेस के बाद अब भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी और भाजपा के करीब 20 विधायकों को भेजा गया है गुजरात। पोरबंदर के फर्न रिसोर्ट में ठहराया जाएगा विधायकों को और पोरबंदर सोमनाथ रोड माधोपुर के पास है फर्न रिसोर्ट। विधायक समाराम गरासिया, जगसीराम कोली, धर्मनारायण जोशी, फूल सिंह मीणा, अमृतलाल मीणा, प्रताप गमेती, बाबूलाल खराड़ी, गौतम मीणा, अर्जुन लाल जिंगर, गोपी चंद मीणा, कैलाश मीणा, हरेंद्र निनामा, निर्मल कुमावत, जब्बर सिंह सांखला, गोपाल शर्मा, गुरदीप शाहपिनी और धर्मेंद्र मोची को ले जाया गया है गुजरात। तो अब सेंधमारी का डर बीजेपी को भी सता रहा है और इसी वजह से अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश अब बीजेपी की भी है और तर्क ये दिए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि प्रेशर बनाने की कोशिश है, दबाव बनाने की कोशिश है, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश है और इसी वजह से इन विधायकों को अहमदाबाद ले जाया गया है। माधोपुर के पास फन रिसोर्ट मौजूद है जहां पर इन विधायकों को रखा जाएगा और संभावना इस बात की बहुत ज्यादा कि 14 तारीख से पहले पहले ही ये विधायक तकरीबन 11 या 12 तारीख के आसपास ही इन विधायकों के यहाँ बुलाया जाएगा और फिर प्रशिक्षण दिया जाएगा, एक रिहर्सल भी होगी, तमाम टिप्स भी दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले अब बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो चुका है। आज हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जयपुर एयरपोर्ट की, जहां से तमाम विधायक रवाना हुए थे। कल ही 12 विधायकों को भेज दिया गया था और उसके बाद आज कुछ और विधायक भी गए हैं और अशोक लाहोटी को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो पूरे सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और अब बीजेपी भी सक्रियता के साथ आगे बढ़ रही है। एक तरफ दिल्ली में भी हलचल तेज है क्योंकि वसुंधरा राजे लगातार तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंची। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर उन्होंने चर्चा की, अन्य कई जो मुद्दे थे उन पर भी चर्चा की गई। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में मौजूद हैं तो दूसरी तरफ अब बीजेपी भी ऐसे ही मोड पर दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, कुछ आपको बात समझ आ पा रही है कि जैसे ही वसुंधरा राजे दिल्ली जाती हैं और उसके बाद ही ठीक उसी के बाद बाड़ेबंदी शुरू हो जाती है बीजेपी की? नहीं देखिये, ये अलग अलग घटनाक्रम है जो अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए दो बातें, वसुंधरा राजे का दिल्ली जाना प्रदेश के नेताओं में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसमें हलचल बढ़ाने की बात करता है क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में वसुंधरा राजे इन्वॉल्व नहीं थी। फिर वसुंधरा राजे जब इन्वॉल्व हुई तो ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं, जो गहलोत खेमा हैं, जो कांग्रेस सरकार है, उनकी तरफ से ये लगा कि अब क्या वसुंधरा राजे भी इस खेमे में रहेंगी। तो तमाम ऐसी बातों के बाद अब जब ये बाड़ेबंदी शुरू हुई है और यहाँ पे पोरबंदर पहुंचने की बात सामने आ रही है, तो इन तमाम मसलों में ये देखा जाएगा कि बड़ा रोचक हो गया है कि सारे विधायक अब राजस्थान छोड़ छोड़ के छुपे हुए हैं। चाहे फिर वो, अगर हम कांग्रेस विधायकों की बात करें तो जैसलमेर से भी आगे कहीं पर मौजूद है। तो अब 14 तारीख तक ये सब लोग बाड़ेबंदी में रहेंगे। हर पार्टी के लोगों को ये डर है कि दूसरी पार्टी के लोग कोई खरीद फरोख करके उसे तोड़ डाले। हालांकि इस बीच में ये खबर भी आई थी कि वसुंधरा राजे कुछ अपने 45 विधायकों के साथ अलग हो रही है, लेकिन जब वसुंधरा राजे ने मुलाकात की तो खुद वसुंधरा राजे ने सवाल किया कि जिस तरह की खबरें मीडिया में आ रही है कहाँ से आ रही है, ना मैं किसी से मिली, आप ना मैं किसी विधायक से संपर्क में, मैं चुपचाप बैठी थी, तो ऐसे में इस तरह के आकलन लगाना कितना सही है। तो वसुंधरा राजे ने अपनी नाराजगी जाहिर तौर पर इससे जाहिर करी, लेकिन जो केंद्र के अलग नेता है उन्होंने उनके सहयोग और पार्टी के साथ खड़े रहने की बात कही और जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे, लेकिन जो विधायक गुजरात भेजे गए अदिति वो अधिकतर बताया जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे खेमे के ही हैं। देखिए वसुंधरा राजे खेमे के विधायक कह सकते हैं या हाँ जाहिर तौर पर वो विधायक जो कहीं ना कहीं उनको डर है कि जो टूट सकते हैं उनको भेज रहा है। हर तरीके है जो देखिए वही हुआ। देखिए पूरी राजनीतिक सियासत जो है राजस्थान की उसमें एक बात कॉमन है, आपसी वोटबाजी, आपसी खींचतान। आज अशोक गहलोत की सरकार से जो ये बादल अस्थिरता के मंडरा रहे हैं ये अपनी ही पार्टी में जो अंदरूनी खींचतान की वजह से आज बीजेपी को या किसी और पार्टी को मौका मिला कि वो सरकार गिरा। वही जो बीजेपी है वो भी आपसी खींचतान और अंदरूनी खींचतान के शिकार है आज से नहीं बहुत लंबे समय से। तो ये जो अंदरूनी खींचतान है यही वजह है कि जो आपको कांग्रेस में भी इस तरफ पे देखने को मिल रही है, बीजेपी में भी इस तरफ को देखने को मिल रही है। इसीलिए
अपने ही पार्टी के लोगों के लिए इस तरह की चीजें आना, चाहे फिर वो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए हो, चाहे वसुंधरा राजे के लिए हो, चाहे खुद सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके लिए हो, चाहे अशोक गहलोत सचिन पायलट से लेकर तमाम लोगों के लिए हो, कभी कोई किसके खेमे में है, कभी कोई किसके खेमे में है। तो अगर आज की भी तस्वीर देखी जाए, अगर हम एक मैप बनाए कि राजस्थान के विधायक कहाँ कहाँ मौजूद है, कौन किसके साथ है, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये बात करने का कि पॉलिटिक्स में जब खुद ही की पार्टी में आपकी खींचतान होती है तो इस तरह की अस्थिरता होती है, इस तरह की डर मंडरा रहा होता है और इस तरह का बिल्कुल अविश्वास की स्थिति। जी चलिए, शुक्रिया आपका।